Alright guys, welcome back to the channel. So guys, it is time for yet another review for the Motul XS8100. Last guys reviews, I have approximately 2000 kilometers with it. But now guys, I thought I would give 8000, but now it is approximately 9500 kilometers. Yeah guys, 9500 kilometers. I have exactly its meter abhi check kiya hai. So it says 61,872 and service guys, I did approximately 52,472. So guys, yeah, approximately 10,000 kilometers. I mean, 9,500 kilometers have been done. So first of all, guys, today we open the bonnet, engine oil condition check. Bonnet, I will open it from here. So engine oil condition check, and then I will tell you its thoughts about the engine now. कैसा परफॉर्म कर रहा है, वैसे तो बड़ा मजा आ रहा है, फिर भी कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड क्वांटिटी भी चेक करते हैं. सो व्हाट आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड यार. बिफोर ओपनिंग द बोनेट गाइस, मैं आपके साथ एक चीज बताना चाहता हूँ. एक्चुअली गाड़ी मेरी जो है थोड़ी सी टेढ़ी खड़ी होती है, ये एरिया नीचे है, ये एरिया ऊपर है. सो इट्स अ लिटिल बिट लाइक दिस. सो उससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल की क्वांटिटी है ना, हल्की सी वेरी करती है. सीधी रोड पर यहाँ पे खड़ा कर दूंगा वो ठीक हो जाएगा लेवल, बट अभी हल्का सा वेरी करेगा, हल्का सा वेरी करेगा, इसका मतलब एवरीथिंग इज फाइन एंड क्वालिटी चेक करते हैं. तो जरा बोनेट को खोल ही देते हैं यार. There we go. How clean it is, na? Looks great. Alright guys, आपको पहले भी पता हुआ है, आप लोगों को पता ही है, this is the dipstick. ये हल्का सा यहाँ पे warm feel हो रहा है मुझे. Just मैंने सुबह morning में मैंने गाड़ी चलाई थी, अभी भी warm कैसे? I don't know. So in any case, काफी देर से गाड़ी खड़ी है, वैसे तो एक दो घंटे की बात होती है, यहाँ पे 6 घंटे के अराउंड इसको खड़े हुए हो चुका है. So everything is fine. See, this is the dipstick. There we go. And guys, आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा वेरिएशन डेफिनेटली है, देख सकते हो ना, पर बहुत ही माइल्ड वेरिएशन है. एंड उसके बाद अब ऑयल की जरा क्वालिटी चेक कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है इस ऑयल में, एकदम मस्त है, चिकना चिकना. तो वेरिएशन आप देख ही रहे हो, ये तो थोड़ा सा नीचे भी फेंक गया, बट बाकी इज एवरेज टोटली ग्रेट. सो मैं यहाँ पे टिश्यू बॉक्स भी रखा हुआ था, बट जैसे कि आप देख रहे हो खड़ी गाड़ी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसी टाइम अगर आप चेक करें ना तब पड़ जाती है जरूरत. सो ऑयल की क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एकदम ओके है मेरे हाथ से, आप पता ही चल सकता है आपको. सो अब जरा मैं आपको 9500 किलोमीटर्स के थॉट्स बताता हूँ. अंदर चलते हैं, राइड पे चलते हैं, मैं तो कहता हूँ. ऑलराइट गाइस, सो मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ. सो जस्ट लेट मी टर्न द सेल फोन. सो जरा मैं अपने कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लूं. देयर वी गो, दैट्स अ बेटर व्यू. सो अब जरा इग्निशन गाइस मैंने ऑन कर दिया है, आप देख ही सकते हो एकदम कोल्ड स्टार्ट है. मैंने आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाया है. जरा मैं शीशा खोल लूं, शीशे को बंद कर लूं, 10 सीट बेल्ट लगा लूं जरा. एंड अब मैं गाइस आपको इंजन की आवाज सुनाता हूँ. अभी करंटली जो फोन में मतलब कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई एडिशनल माइक्रोफोन नहीं है, जस्ट जो भी मेरे कैमरा मेरे फोन का ही जो माइक्रोफोन है ASUS XZ का, वही है. कार इज इन न्यूट्रल एंड इन 3, 2, 1 कार हैज बीन स्टार्टेड एब्सोल्युटली विद नो ड्रामा व्हाटसोएवर. एंड जो भी है, अभी आप आइडल सुन रहे हो, ये कोल्ड स्टार्ट का आइडल है. टेम्परेचर गाइस अभी 26 डिग्री बाहर का बता रहा है. सो जरा कार को निकाला जाए उसके पार्किंग स्पॉट से. एंड एकदम गाइस बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस पर्टिकुलर इंजन ऑयल के साथ. कार जब एक बार वार्म अप हो जाती है, हाईवेज वगैरह पे क्रूज आप कर रहे हो, तो आपको इंजन की आवाज तक नहीं आती, विच इज फैंटास्टिक, राइट. मतलब ये चीज एक्चुअली मायने रखती है, क्योंकि इट्स अ डीजल इंजन. डीजल इंजन डेफिनेटली थोड़े नॉइजी तो होते हैं पेट्रोल के कंपैरेटिवली, बट इसके अंदर जैसे वार्म अप हो जाएगा एंड गाड़ी चल रही है ज्यादा शांत इलाकों में, तो डेफिनेटली आपको इंजन का क्लैटर, जो डीजल क्लैटर, डीजलनेस होती है, वो तो सुनाई देती ही देती है. बट यूजुअली कंपेयर करा जाए थोड़े से इल मेंटेन्ड इंजन के साथ, तो इट इज एक्चुअली प्रीटी रिफाइंड. मतलब 4 सिलेंडर इंजन की तो देखो अपनी एक स्पेशल बात होती है. एंड आफ्टर द 9500 अप्रोक्सीमेटली 9500 किलोमीटर्स, जो कि कोई छोटा नंबर नहीं है एक पर्टिकुलर ऑयल के लिए, एंड द स्टिल ऑयल की अभी आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी मैंने दोनों ही चेक करवाया, एंड स्टिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. मतलब मैं ऐसी सर्विस करवाने वाला हूँ, आई विल चेंज इट. कंपनी तो वैसे 15,000 किलोमीटर्स रेकमेंड करती है विद द सेलेनिया, जो कि एक सेमी सिंथेटिक ऑयल है. दिस इज मोतुल 8100 XS, जो कि एक फुल्ली सिंथेटिक मोटर ऑयल है. बट स्टिल फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्चुअली क्या था, जब इसकी लास्ट सर्विस मैंने करवाई थी, वो मैंने 14,000 समथिंग किलोमीटर सेलेनिया को यूज किया था, उसके बाद मैंने सर्विस करवाई थी, तब मैंने मोतुल डाला था. डेफिनेटली 50 या 100 ml के आसपास गाइस सेलेनिया था अंतर, वो तो 100% तो आप ऑयल निकाल नहीं सकते ना. फ्लशिंग एक वे है, बट फ्लशिंग मैं रिकमेंड नहीं करता, स्पेशली इतना चलने के बाद. अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्लशिंग वगैरह करवा रहे हो तो देन इट्स गुड, बट मैंने आज तक नहीं करवाई, तो अब मैं करवाऊंगा भी नहीं, मैं इसको बताऊंगा आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर. सो एनी केस, अब जब मैं सर्विसिंग करूंगा, अब मोतुल और सेलेनिया, जो सेलेनिया की छोटी सी परसेंटेज थी अंदर, वो टोटली मिक्सअप हो चुकी है विद द मोतुल. मोतुल तो अराउंड 3.3 लीटर इसके अंदर डाला गया था, एंड सेलेनिया सपोज करो हमारे पास 100 ml होगा अंदर, सो वो मिक्स हो गया. अब जब निकलेगा तो टोटली भरा हो जाएगा.
सेलेनिया की परसेंटेज जब ना के बराबर ही अंदर, अब जब मैं वापस मोतुल ही डालूंगा इसके अंदर तब वो टोटल ही मोतुल होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात आप। सो अब आप सुनो गाड़ी की आवाज, गाड़ी सेकंड गियर पे है, आई एम नॉट गिविंग इट एनी थ्रॉटल इनपुट। अब सेकंड गियर पे गाइस मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूं, पिकअप उठाते हैं इसकी जरा। स्पेशली गाइस जब से नया क्लच लगा है तब से जो पिकअप रिस्पॉन्स है इसका, तो मजा ही आ गया यार, काफी तगड़ा वाला मजा मेरे को आ गया हुआ है। सो अब आप सोच रहे होगे कि डू आई रिकमेंड दिस ऑयल, यस डेफिनेटली गाइस डेफिनेटली। आजकल तो वैसे सेल हो रखी थी पर बंद हो गई सेल, बट इन केस अगर आपको 2,200-2,300 रुपए तक ऑयल मिलता है 4 लीटर का तो डेफिनेटली गो फॉर इट, अदरवाइज अगर 3,000 के आसपास रेट आ रहा है तो सेलेनिया ही ले लो बेस्ट है। सेलेनिया एक्चुअली अब ब्रिलियंट ऑयल, मुझे उस ऑयल से कोई दिक्कत नहीं थी, बस ये मोतुल के साथ अब मैं क्या बताऊं, माइनर सा डिफरेंस तो देखो डेफिनेटली मुझे लगा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा डेफिनेटली लगा, क्योंकि हाईवे पे मैं सेलेनिया के साथ भी गया हूँ, हाईवे पे मैं मोतुल के साथ भी गया हूँ। सो आई वुड रिकमेंड मोतुल फॉर हाईवे डेफिनेटली। सिटी के अंदर गाइस आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा, सिटी के अंदर तब भी रिफाइंड थी कार, आज भी रिफाइंड है, सो मजा तब भी गाड़ी को चलाने में आता था, अब भी आता है, जो डीजल क्लैटर हमें आइडल में मिलता था वो अब भी मिलता है, सो एज सच कोई बोली बात नहीं है। बट जैसे हम भीड़ वाले इलाके में जाते हैं ना तो ये माइनर सा देखो फर्क तो यहाँ डेफिनेटली है। सो भीड़ वाले इलाकों में डीजल की आवाज और बहुत कम हो जाती है, तो वो अच्छा है कि बाहर का शोर कम हो जाता है। वो आप सोचो सेलेनिया में भी होगा, डेफिनेटली सेलेनिया में भी होता था बट उतने मैग्नीट्यूड का नहीं जितना अभी हो रहा है। तो अभी आप सुन रहे हो कोई एसी नहीं चल रहा, कोई सिस्टम नहीं चल रहा, एवरीथिंग इज फाइन। सो अब ये भी सोच सकते हो कि मैं अगर मोतुल की तारीफें कर रहा हूं तो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड, बट दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मुझे अभी कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई यार कब आएंगी व्यूज और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तब आएंगे। सो यार थोड़ा सपोर्ट करो अपने भाई को। सो अभी यहाँ पे हम थर्ड गियर पे हूँ, जैसे मैं अब यहाँ पे मैं आरपीएम मेरा गिर चुका है 1000 पे, सो अब मैं 3, 2, 1 50% पार्ट थ्रॉटल पे हूँ, उठ रही है गाड़ी, उठ रही है 1500 के बाद एक्सप्लोजिव नस चालू, भाग रही है 50-60 प्रिटी कूल। तो अब पीछे जाते हुए विंडो में आपको थैंकफुली चीजें दिख रही है, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही कैमरा है, तो मैं अभी आपको मीनवाइल दिखा दूंगा अलग से तरीके से। तो काफी वैसे मजेदार एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर ऑयल के साथ। सो 10,000 किलोमीटर्स में तो कोई इशू रहेगा नहीं, मैं इसकी सर्विसिंग गाइस करवाने वाला हूँ 63,000 किलोमीटर्स पे, जस्ट 1,127 किलोमीटर्स के बाद इस गाड़ी की सर्विस होगी, डेफिनेटली आपको वीडियोस तो मिलेंगी। और अभी हमने क्लच वगैरह चेंज कराया था तो गियर ऑयल तब चेंज हो ही गया था, सो इन एनी केस वो एक काम हो गया। अब मैं चेंज करवाऊंगा तो करवाऊंगा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर का इस बार भी चेंज नहीं करवाने वाला, डीजल फिल्टर की लाइफ ज्यादा है, मैंने कई मैकेनिक से भी पूछा है, वो कह रहे हैं कि इसको इतनी जल्दी चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपको माइलेज में ड्रॉप मिले या कुछ गाड़ी दबना शुरू हो और एयर फिल्टर ठीक हो तब ऑयल इसका अपना डीजल फिल्टर चेंज कराओ, वैसे कोई नीड नहीं है। सो अभी अगर हम लास्ट किलोमीटर टोटल करें तो 14,000 समथिंग को लास्ट टाइम सर्विस हुई थी, 14,000 समथिंग हो गया, 9,500 ये हो गया, सो 14 और 9 अपने हो गए हो गए 23 में 5,500 ऑर्डर का 24,000 जी हमारा कंप्लीट हो गया। सो मैं इससे अगली सर्विस पे या फिर 30,000 किलोमीटर्स के बाद अपना डीजल फिल्टर चेंज करूंगा अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो, वैसे मैं शायद 30,000 पे चेंज कर दूंगा, इतना ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहिए, वैसे कंपनी 15,000 किलोमीटर्स बोलती है एंड हम सेफ साइड होके दो बारी चला लेते हैं 30,000 के आसपास, तो इट्स काइंड ऑफ अ विन-विन सिचुएशन, सबसे एक्सपेंसिव चीज वही है। वैसे अगर एक और बात है उसके लिए मैं आपको बता ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ, एक और बात ये है कि अगर आपके पास जो जहां से भी आप डीजल वीजल भरवाते हो आपको आइडिया नहीं है कि वहां के फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, सो डेफिनेटली गाइस गो फॉर द 15,000 इंटरवल मार्क। तो मुझे, मैं यूजुअली एक या दो बंक से ही डीजल भरवाता हूँ उस गाड़ी के अंदर, सो मुझे पता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है, सो दैट इज वाई आई कैन गो ऑन फॉर लॉन्गर किलोमीटर्स, क्योंकि अभी मुझे कोई इतना इशू है नहीं उसका, एकदम बढ़िया मक्खन चलती है गाड़ी, मजा आ जाता है। अब आप लोगों ने पिकअप तो सुना ही है, आइडल भी अभी भी क्वार्टर मार्क पे पहुंचा हूं मैं जो इसका टेम्परेचर नीडल है, सो आवाज सुनो थोड़ा आपको गाड़ी चला के दिखाते हैं।
So guys, that's it for this particular video. मैंने आपके साथ पूरा thought process मेरा जो भी 9500 kilometers का usage था वो मैंने कर दिया है. So अभी approximately 1100 kilometers मैं इसको और use करूँगा. उसके बाद एक छोटा सा आपको video जब servicing से just पहले एक और बता दूँगा. Oil की quantity, quality एकदम completely full है. हल्का सा देखो variation diesel engines के अंदर आता ही है. But मेरी गाड़ी टेढ़ी खड़ी होती है तो अभी मैं सीधी गाड़ी यहाँ पे खड़ा कर दूंगा रोड के ऊपर तो वो ठीक हो जाता है. So मुझे पता है मैंने चेकआउट किया हुआ है. So actually यही एक गलती मेरी गाड़ी के साथ हो गई थी. उसके अंदर ऐसी टेढ़ा है, मैं ऑयल थोड़ा सा कम दिखा रहा था, मैंने और ऑयल दिया. So फिर वो धुआं छोड़ने लग गई थी क्योंकि वो फिर ज्यादा क्वांटिटी हो गई थी. बट अभी एकदम परफेक्ट है. एंड जो भी था मैंने इसका बता दिया. परफॉर्मेंस इज ऑसम, रिफाइनमेंट इज ऑसम, कार फील साइलेंट, कार इज गिविंग मी डीसेंट ग्रेट माइलेज. और क्या चाहिए यार. सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड गाइस अगर आप नए हो मेरे चैनल पे सो प्लीज डू चेक इट आउट. एंड गाइस आप चेकआउट तो कर ही रहे हो तो प्लेलिस्ट एंड वीडियोस स्क्रीन देख लेना. उसके अंदर आपको पुंटो नैनो तो मिलेगी ही, ऑयल्स के भी कुछ वीडियोस हैं एंड बहुत सारी चीजें भी आ रही हैं. कारण ऑडियो भी है सो इट्स क्वाइट वर्सेटाइल. आपको कुछ भी अच्छा लगता तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. ठीक है गाइस, अब मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन गाइस. Take care.